हूँ मैं हतुबा, वानर लोक का नया राजा हतुबा, ताकतवर और खतरनाक हतुबा। मैंने हरा दिया इस कमजोर राजा को युद्ध में। मेरी ताकत के आगे घुटने टेक दिए इसने। देखो कैसे सर झुकाए खड़ा है मेरी कैद में। अब ये सारी जिंदगी यही रहेगा और मैं राज करूंगा वानर लोक पर। आज से सबकी जुबान पर एक ही नाम होगा, राजा हतुबा, 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 राजा हतुबा। शांत हतुबा, शांत। अपनी जीत के जोश में तू वानर लोक का नियम भी भूल गया? क्या कह रहे हो दद्दू? कौन सा नियम? कहाँ का नियम? वानर लोक का नियम, वो नियम जो सदियों से चला आ रहा है, तू कैसे भूल गया? जब तक पुराने राजा के पूरे वंश को तू कैद करके हरा नहीं देता, तू यहाँ का राजा नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। इस राजा का वंशज कौन सा वंशज? वो गोलू। वो बच्चा जिसे अभी तक बोलना भी नहीं आता। क्या मजाक कर रहे हो दद्दू? वो बच्चा आजाद रहे या कैद में, उससे हतुबा को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है हतुबा, बहुत फर्क पड़ता है। तेरी ताकत वानर लोग के नियम नहीं बदल सकती। तुझे यहाँ के नियम पता नहीं। कान खोल के सुन ले, अगर कल सूरज ढलने तक गोलू आजाद रहा तो यहाँ का अगला राजा तू नहीं वो होगा। तुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक वो बड़ा होके तुझसे लड़ने के लायक ना हो जाए। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कल सूरज ढलने से पहले गोलू मेरी कैद में होगा। वो भी अपने बाप की तरह इस कैद खाने की धूल चाटेगा। ये जोरिला से मेरा वादा है, वादा। ये वादा है हतुबा का, हतुबा का वादा। हतुबा, 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 हतुबा। ये गलत हो रहा है। इस दुष्ट हतुबा ने पहले मेरे पति को कैद किया और अब ये मेरे मासूम बच्चे के भी पीछे पड़ गया है। यहाँ इसकी जान को खतरा है। बेटा गोलू, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। हमें यहाँ से किसी सुरक्षित स्थान पर जाना होगा। पा, पा। बेटा, मैं समझ सकती हूँ कि तुझे अपने बाबा से बिछड़ने में कितनी तकलीफ हो रही है, पर अभी हमें अपने दिल पे पत्थर रख के यहाँ से जाना होगा। चल बेटा, चल। एक
गरम गरम भजिया, चंपल की गरम गरमा गरम भजिए। पिता पुदीने की चटनी, वाह वाह स्मिता, ताजी पिसी हुई पुदीने की चटनी के साथ गरम गरम भजिया खाने का मजा ही कुछ और है। खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है, पुदीने की चटनी बना रही है बहू। अरे बापू जी ये क्या कर रहे हैं? ए बोलो, चश्मा नहीं पहना है आपने? नहीं बापू जी, आपको पता है ना आप चश्मा नहीं पहनते हैं तो आपको ठीक से दिखाई नहीं देता है। पहन लेता हूँ, चश्मे पहन लेता हूँ। स्मिता ये स्मिता क्या छाट रही हो, चटनी पिसो ना जल्दी। भाई भैया ठंडे हो रहे हैं। अरे बाबूजी चश्मा पहनिए, चश्मा रुके क्यों, मैं चश्मा पहनिए। अरे मैं अटक गया हूँ। क्या है? ओ बाबू जी फिर अटक गए। रॉकी, अरे मोटा भाई सॉरी, मैंने आपको जानबूझ के नहीं मारा। वो क्या ना बाबूजी ऐसे अटक गए ना, तो मैंने दुख में अपना हाथ ऊपर उठाया और वापस मारा। मारा मारी बंद करो और मुझे छुड़ाओ। हे भगवान, थैंक यू रॉकी बेटा, थैंक यू। बापू जी मैं महेश हूँ। थैंक यू रॉकी बेटा, थैंक यू। अरे मैं कस्तूरी हूँ। लेकिन मेरा चश्मा कहाँ है? मेरा चश्मा ढूंढो। आप इधर ढूंढती हूँ। कहाँ गिरा दिया बापू जी? चश्मे के बिना मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा। ढूंढो। अरे ढूंढ लेंगे, तुम चटनी पीसो। बाकी आप इधर ही रुकिए, हम लोग चश्मा ढूंढ रहे हैं। क्या हुआ, ये आवाज कैसी है? अरे क्या हुआ, मेरा चश्मा मिला क्या? बापू जी आपके चश्मे की चटनी बन गई है। क्या संभल के डुबा डुबा एक, अगर आई इस अंडे को खरोच तो नहीं छोड़ेगी सोन पक्षी तुम्हें, मार मार के चोच कर देगी बुरा हाल। डुबा डुबा एक, ये अंडा हमें दे दो, हम ले जाएंगे। नहीं नहीं वो मैं अकेला काफी इस अंडे को लेके जाने के लिए। अरे मत कीजिए आप जरा सी भी चिंता इस डुबा डुबा एक के होते हुए। शुक्रिया बालवीर। शुक्रिया बालवीर, तुम सही समय पर आ गए। हाँ बालवीर, आपने इस अंडे को सुरक्षित बचा लिया और डुबा डुबा एक को कड़ी सजा से। हाँ गया बच में। हाँ गालपरी, और आप सब तो जानती ही है ना कि ये अंडा केवल एक अंडा नहीं है, इस अंडे के अंदर एक जीव पनप रहा है और वो जीव है सोन पक्षी की आने वाली संतान। डुबा डुबा परियो, आप सबको डरने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक बालवीर है तब तक किसी भी माँ बाप को अपने बच्चों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सही कहा बाल परी। हाँ और इसीलिए एक माँ बालवीर और परियों से मदद लेने आई है।
बालवीर। बालवीर, ये हमारे मित्र लोग वानर लोग की रानी जुरीली है। रानी जुरीली, आप यहाँ कैसे? ये मेरा बेटा जुरीला है, हम प्यार से इसे गोलू कह के बुलाते हैं। आप सबको इसकी रक्षा करनी है। कल सूरज ढलने से पहले गोलू मेरी कैद में होगा, वो भी अपने बाप की तरह इस कैद खाने की धूल चाटेगा। परियों, बालवीर, ये मेरा मासूम बच्चा तो अभी बोलना भी नहीं जानता, और वो दरिंदा हतुबा इसकी जान के पीछे पड़ गया है। अब आप सभी इसे बचा सकते हैं, इसकी रक्षा कीजिए, मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए। अब बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हमारे होते हुए हतुबा अपनी बुराई कभी नहीं फैला पाएगा। हाँ रानी जुरीली, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपका पुत्र गोलू इस परी लोक में पूरी तरह से सुरक्षित है, और कल सूरज ढलने तक हम किसी को भी गोलू की परछाई तक भी छूने नहीं देंगे, ये हमारा वादा है आपसे। हाँ, और उसके बाद ये वानर लोक का राजा बन जाएगा, और सारी प्रजा को इसकी बात माननी ही पड़ेगी, हतुबा को भी। बालवीर, परियों, हमें आप सब पर पूरा भरोसा है, हम इसे यहाँ छोड़कर जा रहे हैं, हम कल सूरज ढलने के बाद आएंगे। बेटा गोलू, अपना ख्याल रखना, और हाँ, कोई शरारत मत करना। रानी जुरीली, आप बिल्कुल निश्चिंत होके जाइए, हम गोलू का पूरा ध्यान रखेंगे। गोलू, चिंता मत करो, तुम हमारे साथ सुरक्षित रहो। अरे, मेरा इतना अच्छा प्यारा खिलौना टूट गया। हाँ, महा चिपकू गम से चिपका देता हूँ। बापूजी। हाँ रॉकी। हाँ मुझे भूख लगी है। भूख लगी? हाँ हाँ, तो आइए ना बापूजी, ऐसे आप मत आइए, क्योंकि आपके पास चश्मा नहीं है ना। आइए आइए, यहाँ पे बैठिए, बैठिए बैठिए, थोड़ा सा यहाँ बैठिए। बापूजी देखिए, नहीं नहीं, मेरा मतलब सुनिए, यहाँ पे ब्रेड, जैम, बटर सब रखिए, आप खा लीजिए। हाँ मैं तब तक ये अपना खिलौना जोड़ देता हूँ। जाम ब्रेड? तो इतनी बढ़िया मिठाई पड़ी है यहाँ पे, ये जाम ब्रेड कौन खाएगा? क्या हुआ बाबूजी? अरे ये मिठाई है या पत्थर? बाबूजी बाबूजी, ये मिठाई नहीं है, अखरोट है, अखरोट। आपने अखरोट को मिठाई समझ के खा लिया। बाबूजी मैं आपसे कह रहा हूँ ना, यहाँ पे ब्रेड है, जैम है, बटर है, आप उसे खाइए, उसे नहीं। हाँ बापूजी, आपने ब्रेड पे क्या लगाया? अरे बापूजी, आपने ब्रेड पे जैम और बटर नहीं लगाया, मां चिपकू गम लगा दिया है। बदबतीन, देखो है खारा कितने मजे से ये केले।
बालवीर, हमें लगता है कि गोलू का परिलोक में रहना जोखिम भरा हो सकता है, इसीलिए हमें उन्हें किसी दूसरे सुरक्षित स्थान में ले जाना होगा। लेकिन रानी परी, गोलू के लिए परिलोक से ज्यादा सुरक्षित स्थान क्या हो सकता है? पृथ्वीलोक। पृथ्वीलोक? हाँ, पृथ्वीलोक। बालवीर, हतुमा बहुत अच्छी तरह से जानता है कि राजा जुरीला हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, और इसीलिए वो गोलू को ढूंढने वानर लोक में जाएगा, और जब गोलू से वानर लोक में नहीं मिलेगा तो उसे पूरा विश्वास हो जाएगा कि गोलू हमारे पास परी लोक में है। तो क्या हुआ रानी परी, अगर उस दुष्ट ने यहाँ आने की गलती की तो उसका बुरा हाल होगा? बालवीर, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन हम इस वक्त कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहते। हतुमा हमारे साथ युद्ध में हार भी क्यों ना जाए, लेकिन वो गोलू को हानि पहुंचाने की कोशिश जरूर करेगा। हाँ बालवीर, रानी परी सही कह रही है, गोलू के लिए पृथ्वी लोक ही सबसे सुरक्षित स्थान होगा। लेकिन परियों, गोलू पृथ्वी लोक पर रहेगा कहाँ? हाँ, हमें पृथ्वी लोक पर ही बहुत ही सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। परियों, आप चिंता मत कीजिए, हमने वो सुरक्षित स्थान ढूंढ लिया है। कौन सी जगह रानी परी? सात सच्चों का घर। सात सच्चों का घर? हाँ परियों, सात सच्चों का घर। गोलू सात सच्चों के घर में मानव और मेहर के साथ रहेगा। हाँ रानी परी, गोलू के लिए सात सच्चों का परिवार सबसे सुरक्षित स्थान होगा। हाँ रानी परी, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है, क्योंकि अगर गोलू सात सच्चों के परिवार के साथ रहेगा तो वो खुश भी रहेगा और वो सुरक्षित भी रहेगा। रानी परी, मैं गोलू को अभी पृथ्वी लोक पर छोड़ कर आती हूँ। हाँ बालवीर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.